ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं फिर से डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थायराइड से रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए, बताइए। सबसे पहले टिप तो यही है कि क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ एक रोग है, जो असर जो शरीर में आता है। दूसरा, इसका कनेक्शन हमारे जो हार्मोनल सिस्टम से है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, और जिसको कि हम मानते हैं अपने आयुर्वेद के अनुसार हम मानते हैं कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जरूर बनता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान करनी है, माइंड को तो रिलैक्स रखना ही है, इमोशनली आप थोड़ा कोशिश करिए कि अपने आप को नरिश रखें, ताकतवर बना के रखें। दूसरी चीज़ है कि जब हम यहाँ थायराइड की बात करते हैं, तो गले में ये ग्रंथि हमारी होती है, तो उज्जयी प्राणायाम एक होता है, आपने देखा होगा, अपने योगाचार्य से आप पूछ सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम अगर हम करें तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि यहाँ से जब हम ब्रीदिंग करते हैं, और विशेष तौर पर गले के अंदर अगर आप थोड़ा मालिश करें, देसी घी से आप मालिश करें या तिल के तेल से मालिश करें, थोड़ा सा वहाँ सिकाई भी आप कर सकते हैं, तौलिया लेकर के गर्म पानी में डाल के निचोड़ के उसको। लेकिन ये उपचार ऐसा नहीं कि ये उसका इलाज है रोग का, ये चीज़ें सपोर्टिव हैं, सब उसको सपोर्ट करती हैं। इलाज जो इसका होता है, जैसा कि आपने डॉक्टर ने आपको बताया होगा, उसकी गोली आपको दी होगी, कुछ टैबलेट आपको खानी पड़ती है रेगुलरली, और जनरली वो ऐसा भी कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी गोली खानी पड़ेगी। लेकिन जब आयुर्वेद साथ में आप शुरू करते हैं, वो गोली तो आप खा रहे हैं, साथ में आयुर्वेद जब शुरू करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी रूट तक जाया जाए, चाहे वो मानसिक लेवल पर है, या हम आयुर्वेद में कहें कि स्रोतस अवरोध हुआ है, कुछ ना कुछ सिग्नल नहीं पहुँच रहे हैं ठीक से, चाहे वो मनोवय स्रोतस अवरुद्ध हुए हैं हमारे, चाहे हमारे दूसरे स्रोतस, तो उन स्रोतसों को खोलने के लिए, शोथ को कम करने के लिए कुछ ऐसी जो हमारी औषधियाँ भी हैं जो ग्रंथियों पर काम करती हैं, यानी कि हमारे ग्लैंड्स को नरिश करती हैं जी, हमारे ग्लैंड्स को थोड़ा सा वो ताकत देती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रकार की जो औषधियाँ हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसको जो है, मुझे अब लगता है कि बहुत रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने शायद की होगी, कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ उन्होंने बना के निकाली हैं, और उनको अगर हम रेगुलर लें 6-8 महीने 10 महीने, तो हमने कुछ केसेस में देखा है कि उनका जो वो टैबलेट थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे कईयों का छूट भी जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अनुसार ये रोग साध्य है? देखिए, साध्य है, कष्ट साध्य कहेंगे इसको। अच्छा, कष्ट साध्य मतलब मुश्किल से जो है ठीक होता है, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कई लेवल आ गए ना। अगर केवल शारीरिक लेवल हो तो हम कहें कि भाई ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब मन की कैसे गारंटी लें? आपके जो मन मानसिक स्थिति है, आपकी इमोशनल जो प्रॉब्लम है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस रोग में, और उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मिल जाएं अगर शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, और इवन आध्यात्मिक लेवल पर भी, आजकल स्पिरिचुअल हीलिंग भी बहुत पॉपुलर हो रही है दुनिया भर में, कई प्रकार के हीलिंग जो कि इवन मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, वो भी उसको वैलिडेट करते हैं। तो तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ, तब जा करके कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है, इसलिए कष्ट साध्य है इसको कहते हैं। अच्छा, तो मतलब कष्ट साध्य है, हो सकते है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से डिफिकल्ट है। ठीक है डॉक्टर चौहान, डिफिकल्ट टू ट्रीट, डिफिकल्ट टू ट्रीट। हम बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से, आइए। हेलो, हेलो, हाँ जी, वेलकम टू द शो, अपना नाम बताइए। मैम, मैं शिवाली अग्रवाल मोदीपुरम मेरठ से बोल रही हूँ। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना क्वेश्चन। मैम, मुझे पूछना था, 1.5 साल पहले मैंने ना किंग गार्ड का पूछा था ब्रेस्ट में, राइट साइड, हाँ मैम, मैंने ऑपरेशन कराया था जी। मैम, अब फिर वो थोड़ी सी काट महसूस दे रही है, चने के दाने के बराबर महसूस दे रही है। कहाँ पर, उसी जगह है, दूसरी तरफ है? राइट ब्रेस्ट में है सर, राइट साइड ब्रेस्ट में। देखिए, कहीं पर भी गांठ हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो उसको जरूर ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आजकल रोग बड़े खतरनाक भी हो रहे हैं, भयंकर रोग भी लोगों को होते हैं, तो एक तो चेकअप जरूर करा लीजिए उसका। कई टेस्ट होते हैं जिनसे आपको ये अंदाज़ा मिलता है कि किस प्रकार की गांठ है, वो आप डॉक्टर से मिल करके या किसी हॉस्पिटल में नियर बाई जा करके वो चेकअप कराइए। जहाँ तक आए तो वो फाइब्रॉइड गांठ थी पहले जो थी। हाँ नहीं, वो फाइब्रॉइड थी, अच्छी बात है, ये भी फाइब्रॉइड ही होगी, घबराइए नहीं, हम आप ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन टेस्ट कराना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें कि ये गांठ पहले भी बनी, आपको ऑपरेशन कराई, दोबारा गांठ बनी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे शरीर में या है हमारे माइंड में, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस भी हो सकता है, कभी कभार जो है कोई चीज़ ऐसे टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में जो वहाँ जा करके जम जाते हैं, उसके लिए शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में करते हैं। कई प्रकार के ऐसे जो हम टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए कई प्रकार के काढ़े बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन
जरूर आपको करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना चेकअप भी कराइए। ठीक है जी, तो जैसे डॉक्टर चौहान ने बोला, आप अपना चेकअप जरूर कराइए, और चेकअप कराने के बाद आप जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बहुत सारी चीजें आपसे जानी थायराइड के बारे में, उसके कारण, उसके निवारण, और मैं कहूंगी आपने इतने अच्छे से एक आम आदमी के लिए समझाया कि ये होता क्या है, क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान आपने हमें दिया आज फिर से हमारे शो में, और मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर चौहान से सीखा थायराइड के बारे में, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके निवारण के बारे में। अगर आप भी किसी और भी रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चिंता ना करें, हमारा नंबर आपके पास है, वो है 01294040404। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा ईमेल एड्रेस info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।